हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में बास्केटबॉल की टीम देने वाला हूँ, जो रशियन बास्केटबॉल लीग है। जो आज का मैच है खिमकी मॉस्को रीजन वर्सेस बीसी कलेब के बीच, मैं उसी का ही अपडेट देने वाला हूँ। तो मेरे साथ लास्ट तक रहिए। आप मैं जो जो डेटा दूंगा आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। द खिमकी मॉस्को रीजन 1 win और कम और 2 losses, दो मैच हारा है और एक मैच जीता है। अरकामिंग ऑफ 92-77 विन अगेंस्ट एंसले। पिछले मैच में 92-77 से जीता था एंसली के विरुद्ध। दे आर बेस्ट प्लेयर्स इन द गेम वायर जॉर्डन मीके, हु हैड 24 points एंड 5 rebounds। जॉर्डन मीके काफ़ी सफलतम खिलाड़ी है अपनी टीम का। उसके बाद डायलिस बैटन्स, जो काफ़ी सफल खिलाड़ी है, जिन्होंने 12 points एंड 5 assists दिया है। एंड डेविन बुकर, जो काफ़ी सफल खिलाड़ी है, हुआ 10 points एंड 4 rebounds। उसके बाद द बीसी कलेव 0 wins 1 losses। अभी तक एक मैच खेले थे, एक मैच में ही हार चुका है। और कमिंग ऑफ 83-91 लॉस अगेंस्ट जेनिट। तो जेनिट के साथ 83-91 से अपने मैच फर्स्ट हार गया है। दे आर बेस्ट प्लेयर्स इन द गेम मार्कस कीन 24 points एंड 8 assists। तो उनका काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है मार्कस कीन। गैवे विलर हैड 19 points rebound एंड डेविन थॉमस 12 points and 5 rebounds। तो डेविन थॉमस एंड विलर काफ़ी अच्छा खेल खेलता है। तो गाइस, अभी मैं टीम देने जा रहा हूँ खिमकी मॉस्को रीजन वर्सेस बीसी कलेव के। मेरे साथ टीम क्रिएट कीजिए। पॉइंट गार्ड पे मैं यहाँ पर से मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा मार्कस कीन, जो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है अपने टीम के लिए। और ये खिलाड़ी मिनिमम आपको 20-25 points आपको दे सकता है ड्रीम इलेवन स्कोर। उसके बाद शॉक को आप ले सकते हो, काफ़ी उम्दा खिलाड़ी है अपने टीम का। उनके बाद आप थोड़ा सा डाउट है शेप आज का मैच खेलेगा या नहीं, पिछले मैच यूरो कप में वो नहीं खेला था। उनके बाद शूटिंग गार्ड पे यहाँ पर से मैं पिक करूँगा मिकलम को, जो अभी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है यहाँ पर से। काफ़ी और भी एक अच्छा खिलाड़ी है जो है वोरोनोव, पिछले मैच में उतना अच्छा नहीं खेल पाए, गेम टाइम के आ गई उनको बैठना पड़ा था। उसके बाद आप जायसेक को ले सकते हो, जायसेक भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। शूटिंग स्मॉल फॉरवर्ड पे मैं यहाँ पर से मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा बीलर, जो पिछले मैच में 19 points की एक काफ़ी अच्छा गेम खेला था। काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है बीलर। ये खिलाड़ी आपको मिनिमम 15-20 points आपको ड्रीम इलेवन स्कोर लेकर दे सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर से पिक करूँगा बार्टेंस को, जो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। मिनिमम ये खिलाड़ी मिनिमम 10 या 10 से अधिक ड्रीम इलेवन स्कोर दे सकता है। उससे बाद यहाँ पर से आपका चॉइस रहेगा, जैसे यहाँ पर से आप कारासेप को ले सकते हो, काफ़ी उम्दा खिलाड़ी है। उनके बाद मैं यहाँ पर से पावर फॉरवर्ड पे पिक करूँगा जेरेबेको को, जो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, मिनिमम आपको 10-15 points ड्रीम इलेवन स्कोर लाकर दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर से मैं मिके को मेरे टीम में पिक करूँगा, ये भी खिलाड़ी मिनिमम 15-20 points आपको देगा ड्रीम इलेवन स्कोर। सेंटर पे मैं यहाँ पर से मेरा एक ही चॉइस रहेगा, जो रहेगा मोनरो, जो काफ़ी अच्छा खेल खेल रहा है। ये खिलाड़ी मिनिमम आपको 15-20 points ड्रीम इलेवन स्कोर दे सकता है। तो गाइस, ये रहेगा मेरा फाइनल टीम यूट्यूब चैनल का। मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो रहेगा मार्कस कीन कैप्टन, और वाइस कैप्टन यहाँ पर से मीके। अदर जो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रह सकता है वो रहेगा मोनरे, काफ़ी अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं। तो आज के लिए आप ही फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसे ही टीम देता हूँ क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल और बेसबॉल का। आज का ये लास्ट मैच है मेरा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, जाके ज्वाइन हो जाना फ्रेंड्स। एक ही बात बोलना है, लाइनअप के मिलने के बाद अगर लाइनअप मिलता है 2-3 मिनट में मिलता है, लास्ट 2 मिनट में या 5 मिनट के अंदर, तो टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं 2-3 में पहले ही टीम प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको भी एक प्रॉब्लम होगा, 2-3 में आपको जस्ट एडिट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा।
क्योंकि बास्केटबॉल का लाइनअप काफ़ी देर से निकलता है और काफ़ी मैच तो नहीं निकलता है लाइनअप, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस आज के लिए यहाँ पर ही, ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए, बाय बाय फ्रेंड्स।